स्टूडेंट्स ये चैप्टर फोर इक्वेशंस की एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन है तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं अ मोटर बोट हुज स्पीड इज मोटरबोट किलोमीटर पर आर इन स्टिल वाटर टेक्स वन आर मोर टू गो ट्वेंटी फोर किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम राइट आपके पास एक स्ट्रीम की वन है ठीक है इन्होंने स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करने के लिए कहा है स्ट्रीम मतलब कि यहाँ पे ये एक नदी की बात कर रहे हैं हमारे पास एक नदी है राइट और इसमें एक बोट जो है वो ट्रेवल कर रही है राइट सो जब यह बोट अपस्ट्रीम जाएगी अप टू ट्वेंटी फोर किलोमीटर राइट सो इसे जो है वन आवर मोर लगेगा जब ये बोट वापिस डाउनस्ट्रीम आएगी राइट और ये जो बोट है इसकी जो स्पीड बताई गई है दैट इज एटीन किलोमीटर पर राइट right? आपने स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है ये फाइंड आउट करनी है राइट right? सो so, इसके लिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई दी स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये मैं एक्स अज्यूम कर लेती हूं राइट right? अब फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो इसमें कह रहे हैं कि जब ये बोट जो है ये अपस्ट्रीम जाएगी राइट तो इसे एक घंटा ज्यादा लगेगा अब एक घंटा ज्यादा क्यों लग रहा है क्योंकि जो स्ट्रीम है इसकी जो स्पीड है या इसका जो 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 फ्लो है 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 ये 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 डाउनवर्ड राइट और बोट अपवर्ड जाएगी स्ट्रीम की स्पीड होगी ये बोट की स्पीड में से माइनस हो जाएगी राइट जब डाउन स्ट्रीम आएगी तो स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड जो है ये एड हो जाएंगे जिससे कि इसे कम टाइम लगेगा राइट सो तो अब मैं अगर स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम बताओ राइट ये स्पीड ऑफ बोट जो है हमारे पास स्टिल वाटर में है दैट खड़े हुए पानी में राइट सो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम अप है ये अपवर्ड जा रही है और जो स्ट्रीम है ये डाउनवर्ड फ्लो कर रही है तो डेफिनेटली हमारे पास जो बोट की स्पीड है एटीन किलोमीटर पर आर इसमें से स्ट्रीम की स्पीड जो है ये माइनस हो जाएगी सो एटीन किलोमीटर पर आर माइनस एक्स किलोमीटर पर आर आ जाएगा दैट विल बी एटीन माइनस एक्स राइट सो अब हम जो डाउन स्ट्रीम है वो स्पीड देख लेते हैं सो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम बोट और जो स्ट्रीम है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं राइट सो अगर ये एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो इनकी जो स्पीड्स हैं वो ऐड हो जाएंगी सो so, किलोमीटर प्लस एक्स किलोमीटर पर आ रा गया राइट सो इट विल बी एटीन प्लस एक्स एंड यहां पे हम यूनिट मेंशन कर देंगे अब अगर हम अपनी कंडीशन देखें सो ये क्या कह रहे हैं कि जो बोट है जब अपस्ट्रीम जाएगी उसे एक घंटा ज्यादा लगेगा डाउनस्ट्रीम आने से राइट सो so, यहां पे टाइम की बात की गई है डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है डिस्टेंस इज 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर इस बोट को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आना पड़ेगा राइट हमने टाइम की फॉर्म में बात करनी है सो टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम ये कितना आएगा इट विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड राइट कि कितना डिस्टेंस इस बोट ने किया है डिवाइडेड बाय जो स्पीड ऑफ बोट होगी राइट सो डिस्टेंस हमारे पास ट्वेंटी फोर किलोमीटर आ रहा है और जो स्पीड ऑफ बोट है अपस्ट्रीम के लिए दैट इज एटीन माइनस एक्स किलोमीटर पर सो so, ये किलोमीटर इसके साथ कैंसिल हो गया राइट सो so, जो अपस्ट्रीम के लिए टाइम है दैट इज 24 बाय 18 माइनस एक्स और यहां पे आर आ जाएगा अब डाउनस्ट्रीम के लिए जो टाइम है वो चेक कर लेते हैं सो टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम सो so, जितना डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया है डिस्टेंस इज 24 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम सो स्पीड ऑफ बोट एटीन प्लस एक्स किलोमीटर पर आर है राइट right? सो so, ये किलोमीटर इसके साथ कैंसिल हो गया सो टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम श्योरली ट्वेंटी फोर बाय एटीन प्लस एक्स आ गया राइट right? और ये भी आर में है अब जो हमारी कंडीशन है हम वो देख लेते हैं सो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन की फॉर्म में बात करें सो टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम ठीक है इसमें और डाउनस्ट्रीम में जो टाइम है इसमें वन आवर का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि अपस्ट्रीम जाने के लिए एक घंटा ज्यादा लगा है राइट सो टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम राइट जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ऑफ वन आर राइट लिख लोगे प्लस एक्स राइट ये दोनों आर में है तो मैं इनके यूनिट कॉमन ले लेती हूँ और ये जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ऑफ वन आर सो ये आर इसके साथ कैंसिल कर दिया अब हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे राइट right? तो इसके लिए एटीन माइनस एक्स और एटीन प्लस एक्स ये मैं LCM ले लूंगी सो यू कैन राइट एटीन माइनस एक्स और एटीन प्लस एक्स आ गया अबीन माइनस एक्स इंटू एटीन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एटीन माइनस एक्स आप साथ में रफ में करके देख सकते हो कि एटीन माइनस एक्स और एटीन प्लस एक्स को जब आप पहले एटीन माइनस एक्स के साथ डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो गया और पीछे हमारे पास एटीन प्लस एक्स गया सो एटीन प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी फोर इट विल बी ट्वेंटी फोर इंटू एटीन प्लस एक्स आ गया सेम वे में अब हम एटीन माइनस एक्स एटीन प्लस एक्स जो है इसे डिवाइड करेंगे एटीन प्लस एक्स के साथ राइट सो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और पीछे एटीन माइनस एक्स रह जाएगा सो एटीन माइनस एक्स इंटू ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी फोर इंटू एटीन इट विल बी फोर थर्टी टू प्लस ट्वेंटी फोर इंटू एक्स ट्वेंटी फोर एक्स आ गया माइनस ट्वेंटी फोर इंटू एटीन फोर थर्टी टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ट्वेंटी फोर इंटू एक्स ट्वेंटी फोर एक्स आ गया डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे एक्स एक्स और प्लस है राइट right? यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा विल बी 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 ए ए प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट सो ए की जगह पे हम एटीन लेंगे और बी की जगह पे एक्स लेंगे सो इटव एटीन स्क्वायर माइनस

और और का 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 जो जो है, है, जाएगा, so minus का x square आ गया। अब ये आया इसे मैंने प्लस का बनाना है तो ये सारी की सारी मेरे पास जो वैल्यू है इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी राइट सो इट विल बी फोर्टी एट एक्स प्लस एक्स स्क्वाइनस क्योंकि थ्री ट्वेंटी फोर प्लस का है सो so माइनस थ्री ट्वेंटी फोर आ गया और ओवरऑल इक्वेशन इक्वल टू जीरो बन गई अब सबसे पहले मैं एक्स की हाइएस्ट पावर लिखूंगी थ्री ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है राइट right? इसे मैं अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगी राइट सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो यहां पे ए की वैल्यू वन आएगी बी की वैल्यू फोर्टी एट आएगी और सी की वैल्यू हमारे पास माइनस थ्री ट्वेंटी फोर आएगी अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए वैल्यूज पुट करेंगे कर दोगे माइनस फोर इन टू ए वन है और c की वैल्यू हमारे पास माइनस थ्री ट्वेंटी फोर आ रही है राइट डिवाइडेड बाई टू इन ए दैट मीनस टू इंटू 1 आ जाएगा, फोर इंटू वन फोर फोर इंटू थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेल्व नाइन्टी सिक्स आ गया राइट डिवाइडेड बाई टू इंटू वन टू आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस फोर्टी एट प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी थ्री हंड्रेड एंड फोर प्लस ट्वेल्व बाय टू आ गया नाउ अगर मैं 60 का स्क्वायर कर देती हूँ right? so, यहाँ पे आप सिक्सटी का स्क्वायर लिख दोगे सो so, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाय

एक्स जो है ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है राइट right? तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता दैट मीनस कि हमारे पास ये जो माइनस फिफ्टी फोर है इसे हम इग्नोर कर देंगे राइट सो यू कैन राइट सिंस एक्स इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इट कैन नॉट बी नेगेटिव

ये कितनी आएगी सिक्स किलोमीटर पर आर